हमें ये बोल रहा है एम सेट कर लो। आपके लिए प्रेयर करने आए हैं, दुआ लेने आए हैं आपकी। अखिल बिल्कुल लाल है, बच्चा ने देखा नहीं जाता, वो कोई भी बीमारी हो तो वो मुझे हो जाए, उसको नहीं होना चाहिए कुछ भी। ढाई लाख रुपए की डेग है, दुआ में याद रखना। अरे गोद में ले लो बच्चा, किसका ये। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई साहब सुबह सुबह उठ गए हैं और नाश्ता आ गया। नाश्ता तो लंच के टाइम पे आया, क्योंकि ना सुबह 8:30 बजे हम सो गए थे और सोने के बाद अभी उठे हैं, अभी 2 बज गए हैं। नहा धो के निकलेंगे दरगाह के लिए। और अभी अभी मेरी गोलू से भी बात हुई है और जैद की तबीयत में आराम है, और ऊपर वाले ने चाहा जब तक मैं घर पहुंचूंगा तो वो 100% ठीक भी हो जाएगा। हाँ जी चीकू, चाय अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा तो अभी अभी ना चीकू और पायल की भैंस होगी। क्या बात हुई बताइए, क्या ये मैं इसका कह रहा था। नहीं पहले हमें कह रहा था आप लोग ना अपना एम सेट कर लो। हमें ये बोल रहा है एम सेट कर लो। क्या एम कर ले बेटा, हम सेट बताओगे थोड़ा। पापा बोल देंगे ना कैरावन, सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग का एम सेट करना और जिम का। ठीक है सुन लिया। तो फिर मैं बोला चलो हमारा तो, हमारा तो तूने बता दिया, तू अपना बता कि तू तेरा क्या एम है। कह रहा मेरा गेमिंग एम है। मैंने कहा अच्छा। कह रहा मुझे बस दो चीज चलानी आती है। कह रहा मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए, सुनो मैंने वाला मैंने जो तेरे पास बताओ क्या उसका नाम तो बताओ। मेरे को थोड़ी अब जो चीज मुझे पता ही नहीं है। पापा PS5 तो आपको भी पता है। और वो एक बात ना मैं आपको सच बताता हूँ, जितना एक्टिव ये गेमिंग में है ना, जितने इसके हाथ चलते हैं वहाँ पे, शायद ही मुझे लगता है किसी और चीज में इसका इंटरेस्ट है। मम्मा तो मम्मा, पापा मेरे को नहीं पता, मैंने तो देखा ही नहीं है। आपने देखा ना सिर्फ? देख ले, मम्मी ने देखा नहीं तेरे को गेमिंग खेलता है? पापा मम्मा इसको बोलना तो नहीं आता, ऐसे करता है बस, बोलता ही नहीं है। वो सीख जाएगा बच्चा है ना भी। पापा सुनो। हाँ जी। मम्मा को ये भी नहीं पता आगे किससे बढ़ते हैं, आगे किससे बढ़ते हैं। मैं थोड़ी खेलती हूँ भाई, जो खेलेगा उसे बताओ। उसे बढ़ते हैं आगे और पीछे, मुझे थोड़ी पता है। एस राइट। चलो भैंस मत कर, फटाफट खाना खाओ नहा ले। मेरा बच्चा, मेरा सोना मुंदर, मेरा बेटा ठीक है अब? मम्मा आपके लिए आई है यहाँ पे, आपके लिए प्रेयर करने आए हैं, दुआ लेने आए हैं आपकी। हाँ घर आते आते बिल्कुल ठीक हो जाओगे, फिर आप घर पे आओगे, आपकी बहन और भाई के साथ खेली खेली गलोगे, खेली खेली गलोगे ना। जादू मम्मा से बात कर बिटू, ले भाई से बात कर। जादू सोना बेटा देख बोल नहीं रहा है तो देख रहा है सिर्फ, जस्ट अभी उठा नहीं इनसे ना। जादू मेरा सोना को रोया तो नहीं लक्ष्य दोबारा? नहीं अभी नहीं आया। ठीक है अभी रोया तो नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं रोया। चलो शुक्र। चलो फिर मैं नहाती हूँ फटाफट, पहले मैं नहा के आती हूँ फिर आप लोग नहाओ। ठीक है लक्ष्य, ये तो बहुत ही ढीला आ रहा है। सीन हो गया तो तेरे पास नहीं है पता क्या? हाँ। ये प्रेगनेंसी जब थी ना, हाँ। उसकी पारस की बहन की शादी थी, तब बनवाया था मैंने, क्योंकि उस टाइम विंटर्स थी और ये गोलू ने अभी वैष्णो देवी भी बना था, मुझे लगा मुझे आ जाएगा, पर ये तो बोर नहीं लिखे। एक जोड़ी और लाई, शुक्र है, है? शुक्र है। वो मैंने जो लोड़ी पे पहना था ना, तब वो लेके आई। ये भी पहन सकती है, बुरका टाइप लगेगा। नहीं नहीं ये ज्यादा लूज है। फिर गोलू ना हर बार, गोलू का यही रहता है, गोलू जब भी कोई कपड़ा पहनती है ना उसे फाड़ के छोड़ती है। वेरी गुड, एक ही बार पहना है और ये फाड़ दिया उसने। तो वैसे अभी मैंने पायल को बोला मेरा दिमाग खराब हो गया बहुत ज्यादा, जो मैं करने वाला हूँ तो सहन नहीं कर सकती। मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो। मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब है, मैं काम करता हूँ चीकू। हाँ? मैं ठंडे पानी में नहाता हूँ। बस करो। नहीं बस करो, बस करो, नहीं रहने दो। मैं कैमरा ऑन करके दिखा दूंगी ठंडे पानी में नहा डाल रहे हो, गर्म पानी में डाल रहे हो। नहीं नहा सकता मैं? नहीं नहा सकते। सही कह रहे, नहीं नहा सकता। पता लगे मैं बीमार हो जाऊं। गाइस ये ना मई जून जुलाई, ये मतलब ये 12 अगर वो होते हैं ना महीने, तो 12 महीने ये गर्म पानी से नहाते हैं। ओ झूठ मत बोल इस बात की, समझिए बकवास कर रही है। मैं दिसंबर, ये ना दिसंबर है ना, दिसंबर से पिछले महीने से नहाने लग गया हूँ गर्म पानी से, बीमार ना हो जाऊं। अक्टूबर नवंबर, हाँ नवंबर से, नवंबर से तो जाओ फटाफट जाओ नहा के आओ, लेट मत करो। तो गाइस मैं अभी से चीकू से काम करवा रहा हूँ, मैंने अपने कपड़े दिए उतार कर, मैंने बोला इसको लपेट के रख, देख तो ये लपेट कैसे रहा है। तू पागल हो गया क्या? चीकू उसको लपेट दे ढंग से, पहनना नहीं है इसको, लपेट के रख। लपेट दे मैं सिखाती हूँ, देख एस ये तो पजामा, पजामा सब ये तो आपका काम होता है। ये लो करो, मम्मी का कोई काम नहीं होता है, सब बच्चों का काम होता है। कुछ नहीं ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको ऐसे फोल्ड करना है, ये दोनों बाजू लेनी है, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे हो गया। ये भी दिखा, ये स्मार्ट है, बहुत अपना काम करवा रहा है। देख इसको कुछ नहीं करना, मैं सिखा रही हूँ ऐसे करूंगी, ये दोनों ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है और बस हो गया। जाओ अपना के हो। बस मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ये वाला सूट पहना है जो मैंने लोड़ी पे सिलवाया था, आप लोगों ने बहुत बार देखा है सूट, 4 से 5 बार मैंने पहन लिया। मलिक साहब अभी नहा रहे हैं, वो जैसे नहाते हैं बाल सेट कर रहे हैं, नहा चुके हैं, फिर वो भी रेडी होके निकलते हैं हम लोग दरगाह के लिए। यहाँ पे हमारा चीकू जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। हाँ जी मेरे को वहाँ से ना कड़ा और बहुत सारी चीजें ले लो आना। बेटा हर जगह से लेते हो, आपको भी ऐसी कोई जगह है जहाँ से आपने नहीं लिया हो कुछ? हाँ
चलो फटाफट अपने बाल सेट करो, निकलो, चलो लेट नहीं करना, वापस आके हमें घर के लिए भी निकलना है। तो भैया हम भी नहा धो के थोड़े से रेडी हो गए। तो यहाँ पे मलिक साहब अपने सपुत्र के जो है बाल जो है ड्राई कर रहे हैं। हालांकि मैंने ड्राई किए थे पर इनको मेरे ड्राई किए हुए ना ड्राई नहीं लग रहे, कह रहे मैं खुद ड्राई करूंगा उसके बाल और बाल उसके सेट करूंगा। क्योंकि अरमान जी को ना चीकू के बाल इतने ज्यादा पसंद है, इतने ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। चीकू को बार बार बोलते बेटा तेरे बाल, मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ तेरे बालों पे। उनको बिल्कुल चीकू जैसे बाल चाहिए थे। आपकी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई, आंखें बिल्कुल लाल है, ऐसा लग रहा है कोई नशा कर रखा है। नींद का नशा, कामयाबी का नशा है आपने? नहीं, नींद का नशा भी है, नींद पूरी नहीं ढंग से, आंखें पूरी रेड हो रही है। अक्सर क्या होता है ना, जब भी ये ट्रैवल पे रहते हैं ना तो ये गाड़ी में एक दो घंटे सो जाते हैं बीच में। पर कल वाले ट्रैवल में एक तो इतना रोए वो ना हॉस्पिटल में। मैं सोया इसलिए नहीं था क्योंकि ना सूरज भाई ना अकेले गाड़ी चला रहे थे और उसके साथ साथ क्या ना धुंध बहुत ज्यादा थी, तो मैं सोच रहा था भाई बोर ना हो, और साथ साथ ना मैं मूवी देखता हुआ आ रहा था बहुत तेज तेज, और इतनी तेज थी गाड़ी में स्पीकर रखे थे, और ये तो सो रही थी वो गाना सुनते सुनते। पता नहीं कैसी नींद है पाल तेरी यार। मैं तो ज्यादा देर नहीं सोई थी, अच्छा थोड़ी देर सोई थी। और ना इनकी आंखें लाल इसलिए भी है गाइस क्योंकि कल ना गोलू ने मुझे फोन किया था जब ये लोग हॉस्पिटल में थे ना, कह रही वहाँ पे जितने लोग थे जैसे मम्मी थी, गोलू थी, शैली थी, चीकू था, नहीं सूरज था, ये थे, सब लोग, सब लोग कंटिन्यू रोए हैं वहाँ पे, इसलिए भी आंखें लाल है। असल में क्या ना बच्चा ना देखा नहीं जाता, वो ना बहुत मासूम सा बच्चा है वो हमारा, सेंसिटिव है। मतलब मैं कहता हूँ अब अजमेर श्री से ये बोल के आऊंगा जिंदगी में अगर उसको कोई भी बीमारी हो तो वो मुझे हो जाए, उसको नहीं होना चाहिए कुछ भी, क्योंकि ना उसको देख के फिर वो गोलू रोती है, उससे देखा नहीं जाता। हम तो बड़े, हम तो सहन कर लेंगे पर उसको कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात गाइस वो ना बहुत ज्यादा सहन कर चुका है, बहुत ज्यादा, उसको पहले ऑपरेशन हुआ फिर डायरिया हुआ। मैं ये चाहती हूँ, दुआ करती हूँ भगवान से ना बाबा जी से कि अब इसके बाद उसको दोबारा कभी हॉस्पिटल ना जाना पड़े बस। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं दरगाह के लिए, तो गाड़ी आगे चलो बैठो। चलो। पहले हम ना ऑटो कर रहे थे, ऑटो में क्या दिक्कत थी ना सारे लोग आ नहीं पा रहे थे, तो हमारे साथ अबराज भाई थे, उन्होंने बोला अरमान भाई गाड़ी में ही चलते वहाँ में पार्किंग मिल जाएगी, बैठ जाके बैठ जा। तो गोलू ना रात भर से वहाँ पे परेशान थी, तो हमने ना सुबह फोन करके उसे बोला है कि तू घर जा थोड़ी देर रेस्ट कर, क्योंकि अगर वो रेस्ट नहीं करेगी ना तो बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगी, क्योंकि वो ना जब रेस्टलेस हो जाती है ना उसकी आंखों में उसके चेहरों से दिखने लग जाता है कि रेस्टलेस हो गई है। तो मैंने ना ये बोला था गोलू को कि तू चिंता मत कर, जब मैं दरगाह पहुंचूंगा ना तो जैद देखियो बिल्कुल ठीक मिलेगा। तो अभी उसकी तबीयत में आराम है, और जैसे मैं चद्दर वद्दर चढ़ा के अपना घर की तरफ निकलूंगा तो उम्मीद है वो बिल्कुल खिलता खिलखिलाता दिखेगा मुझे। अभी वीडियो कॉल पे बात तो कर रहे थे उससे पर वो सो के उठा था इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, पर मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे हम दरगाह में मत्था टेकेंगे। हाँ बाबू हाँ रिस्पॉन्ड सेम ही बात होती है बेटा। तो जैसे हम मत्था टेकेंगे ना वैसे जो है हमें गुड न्यूज मिल जाएगी कि कल छुट्टी हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से फील हो रहा है। चलो अब बस पहुंच गए हैं, पहुंचते ही आपको तो अब की बारी ना हमने जो होटल है ना दरगाह से थोड़ी सी दूर लिया है, पर ठीक है नींद अच्छी आई, साफ सुथरा होटल था, मजा आया। तो आगे ना इतनी स्पीड में बच्चे भाग रहे हैं गाड़ी के आगे आगे, ये भी देख लो बच्चे ऐसे होते हैं कि पायल इनको कुछ नहीं होता, नहीं होता धूल मट्टी गाड़ी कुछ भी नहीं होता। और एक हमारे बच्चे इनकी इतनी केयर करते हैं, इतनी केयर करते हैं, उसके बाद भी खांसी जुकाम बुखार कभी भी हो जाता है। तो एक बात और बतानी थी आप लोगों को, जो हमारा चीकू है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो बहुत ही अगर बात की जाए गरीबी में पला वो लड़का है ना, चीकू तो बहुत गरीब, बहुत स्ट्रॉन्ग है लड़का, मतलब भगवान टच वुड, तो कहाँ टच वुड करें, वुड कहाँ है, वुड तो नहीं है, इसको टच कर लो। हाँ, तो ये लड़का लगा लो फुल स्ट्रॉन्ग है, सर्दी जुखाम खांसी भगवान की दया से स्ट्रॉन्ग रहता है। और एक बात बताऊं गुड्डू, जब ये चीकू था ना इनके जितना, तो इतना हेल्दी था, इतना हेल्दी था, जबकि हमारे इन बच्चों को जो जो खाने पीने के लिए मिलता है ना वो इसने कभी खाया ही नहीं है बचपन में, खाया भी नहीं और इतनी ध्यान भी तो नहीं रखा जाता था, ऐसे बिठा दिया टॉय दे दिए, दो दो चार चार घंटे टॉय के साथ अकेला खेलता रहा, ऐसा बच्चा था नहीं अपने आप। और ये जैसे ये बच्चे ना गिरते रहते पड़ते रहते हैं, मुझे तो इसका याद ही नहीं है गिरा भी होगा कभी, मैंने ही गिराया था इसको एक बार जब ये 6 दिन का था ना, तो मैंने ही गिरा दिया था, मैं भूल गई थी कि मेरे पास बच्चा भी है, मैंने ऐसे डुच किया ये नीचे ही। 10 साल में ना आज पहली बार हमने यहाँ पार्किंग लगाई, गाड़ी पार्किंग लगाई है, नहीं तो हम हमेशा ही होटल के बाहर लगाते थे गाड़ी पार्किंग। चले भाई सूरज मास्क ले लो, मास्क पहले मास्क ले लो, मैं तो मेरा तो मास्क ही है, रोड पे चलने नहीं देंगे, मेरा मास्क। हाँ जी ले लो, और 100 रुपीज दे दो, 100 रुपीज हाँ ये लो भैया, इसको रुमाल रुमूल दे दो जो मांग रहा है। पहले क्या था ना मैं अंदर से कैब वैब लेता हूँ, तो भैया तुम्हारे थोड़े से ना हैंडीकैप है, तो जितनी मदद हो सके यार हैंडीकैप जितने भी लोग आपको मिलते हैं उनकी किया करो। चले चलो। तो अब की बारी ना मुझे बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है, और सबसे अलग ना ये आदमी चलता, देखो ये हमारे साथ था और वहां से पता नहीं क्यों चल के आया वाली है। हैंकी लेके आया आपके लिए, तो हैंकी तो भाई मैं अंदर भी ले लेता, मैं हैंकी क्यों लूंगा, मैं तो कैप लगा के, मास्क नहीं मिलेगा पर हां तो ये लगा लो ना। चलो फिर चलो, मेरे पास तो मास्क है मेरे चुन्नी तो भाई
इतनी ज्यादा भीड़ है और बहुत ही अच्छे दिन चल रहे हैं। इन दिनों में ये लगा लो उर्स भी है और नया साल भी है, और नए साल पे मैं बाबा जी से मिलने भी पहुंच गया है। पायल, हाँ जी, क्या ले रही है? ये कोई जरा ना बच्चों के लिए ले ले। पायल, ये ले लेती जैद के लिए। हाँ, बहुत अच्छी है, सबके लिए ले ले। और एक ब्लू वाली देना। चीकू छोटी है, छोटी है, बड़ी लेने दे। ये जैद और आयान के लिए। हाँ, ये वाली दे देना मुझे। हाँ, ये वाला ले ले, ये वाला ले ले। हाँ, ये ले ले, ये मैं हमेशा ही लेता हूँ, ये ले ले। तो भाई मुझे यहाँ पे मैचिंग कैप मिल गई है, बहुत ही सुंदर। मैं ये कह रही हूँ, मैंने पहली बार देखा है कि ऊन से भी जो है यहाँ की टोपी बनी हुई है। ले लियो पायल, देखना सेम सेम कलर की लगेगी। तो ये टोपी निकाल के जब मैं दरगाह मंदिर जाऊंगा ना, ठीक है, वहाँ ले लूंगा ना। तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ का आगाज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नया साल भी है, उर्स भी है। चीकू नहीं मिली क्या तेरे को? इतनी देर से पता नहीं क्या देखता रहता है। ये छोटी है भाई, छोटी है ये। पायल इसके लिए लिया है, चीकू के लिए? किसी ने रुमाल नहीं लिया कुछ भी? अरे नहीं, अच्छा ये लिया है, ये ठीक है। अच्छा ये नहीं, रुमाल कह रहे थे, हमने ये लिया है। हाँ, ये पायल भीड़ हो जाएगी, देख। बस बस, चलो चलो, चीकू दिखाइयो। हाँ, चीकू को बहुत सुंदर कैप लग रही है। चले चलो भाई, चलो चलो चलो। पायल थोड़ा सा ना पाँव को जल्दी जल्दी रख ले, मैं तो आपसे भी आगे चल रही हूँ। चल चल चल, शाबाश। हमेशा बोलते हैं आगे पैर बढ़ा ले, आगे पैर बढ़ा ले, पूरी लाइन में सबसे आगे मैं ही रहती हूँ। यहाँ पर केशव के साथ चमत्कार होगा, क्या हुआ? हमारा मिनी ब्लॉग बच्चा है ना, ये चल रहा था सीधे सीधे, नीचे देख नहीं रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, सारा पाँव इसका ना कूड़े में आ गया है, और अभी पाँव धोने गया, और इसके पैर में भी थोड़ी सी तकलीफ है। अभी यहाँ से पाँव धो के वापिस चलेंगे। चलो, तो हम आए हैं अंदर चोर रस्ते से, और हमेशा ही जब हमें लगता है बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, लोगों का इतना ज्यादा प्यार होता है, 5-1 मिनट में शायद हम लोग पहुँचने वाले दरगाह, क्योंकि हम लोगों को ना यहाँ का अंदर अंदर का रास्ता नहीं पता। ये तो अरबाज भैया हमें लेके जा रहे हैं, तो हम लोग पहुँच जाएंगे, वरना तो हम सीधा दिल्ली गेट के वहीं से आते। और अभी बस मुझे ऐसे लग रहा है और 2-3 मिनट चलने का बाद हम लोग दरगाह के पास पहुँच जाएंगे, फिर आप लोगों को हमारे साथ दर्शन कराते हैं। तो भाई ऐसी ऐसी गलियां है ना, ऐसा लग रहा है पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। हम दरगाह पहुँच गए। चलो, तो ये देखो, ये है पुरानी दिल्ली की गलियां, नहीं होती थी शूटिंग वाली। हाँ, चीकू ये तेरा है, ये गिरता पड़ रहा है, कहाँ ध्यान है इसका? ध्यान ही नहीं है, ये तो अपने जेब में हाथ डाल के बावजूद हीरो बन रहा है, जैसे इसने दो नौकर रखे हुए पीछे। अपने आप देते रहेंगे इसको ना, माँ बाप तो हमेशा बच्चों की नौकरी होते हैं, पर बच्चों को भी तो पता होना चाहिए कि दो नौकर रखे हुए हैं। हाँ, सही बात है। तो मुंह हमने ढक लिए हैं, और प्यार करने वाले इतने सारे लोग हैं कि हम अगर दिख गए तो भीड़ हो जाएगी। तो गाइस हम पहुंच गए हैं दरगाह के बाहर, और दर्शन कर लो वलियों के वली, राजाओं के राजा। पायल ध्यान से। हाँ, आ जाओ, आप आओ। आ गया मैं, आ गया। आओ फटाफट आओ चीकू, बहुत जल्दी जल्दी चलना है अंदर, चलो फटाफट चलो चलो आगे। ये चीकू ना हमेशा पीछे रहता है, पकड़ता हूं, चलो। आप चीकू पकड़ो, मैं पीछे हूँ आपके। चलो, तो हम जो बच्चों के हाथ लगा के लाए ना चादर के लिए पैसे, वो दे दिया यहाँ से, चादर और फूल लगा दे, फिर चलते हैं अंदर। तो यहाँ का जो भी इतिहास है ना, वो कवि साहब आपको बताएंगे, हमें जितना पता है उतना तो हमें पता ही है, बाकी सारा जो है कवि साहब आपको समझाएंगे कि यहाँ की मान्यता, यहाँ का इतिहास क्या है। गरीब नवाज की बारगाह में आज हाजिर हैं अरमान मलिक साहब फैमिली के साथ। और गरीब नवाज की बारगाह वो है जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये वलियों के सरदार हैं, और उनकी बारगाह में ये अकीदत से हाजिर हैं। आपका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आप ईरान से आए। अभी आने वाले वक्त में गरीब नवाज का ऊर्स शरीफ आ रहा है ख्वाजा साहब का, और ये ऊर्स शरीफ से पहले ही हाजिरी देने आए हैं। ऊर्स शरीफ जो है वो गरीब नवाज का इंग्लिश में हिसाब से कहें तो डेथ एनिवर्सरी है, लेकिन आप जिंदा वली हैं, तो आपने जिस दिन दुनिया से पर्दा लिया उसको उर्स बोलते हैं। अच्छा, अब आने वाला उर्स जो है अभी 8 जनवरी को ये बुलंद दरवाजे के ऊपर झंडा चढ़ेगा। अच्छा, और रजब का चांद दिखाई देते ही उर्स शरीफ शुरू हो जाएगा, जन्नती दरवाजा खोल दिया जाएगा। अच्छा, गरीब नवाज की बारगाह का। अच्छा, तो 13 जनवरी से उर्स शरीफ शुरू हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब जी, वो वाला दरवाजा खुल जाएगा जो जन्नत का है। गरीब नवाज की बारगाह में बड़े बड़े बादशाह वली वगैरह आए, या अंग्रेज महारानी ने पेश किया, क्वीन एम्प्रेस मैरी ने। ख्वाजा साहब की बारगाह में नवाब बशीरुद्दौला ने महफिल खाना बनाया। उर्स शरीफ में कवाली वगैरह के प्रोग्राम जो होते हैं वो यहीं होते हैं। अच्छा जी, चलो बेटा, ये ख्वाजा साहब की देगे हैं दोनों, इनमें लंगर बनता है। चलो चलो, अभी जो वक्त है गरीब नवाज की बारगाह में वो खास दुआ का वक्त है, ये चराग का वक्त कहलाता है। इस वक्त बारगाह गरीब नवाज में दुआ पढ़ी जाती है, और चारों कोनों पर जो है मोमबत्ती रोशन कर दी जाती है, और ये खास दुआ का वक्त होता है गरीब नवाज की बारगाह में। और इस टाइम जो दुआ पढ़ते हैं ना, हाँ, फारसी में होती है, फारसी में। अच्छा, फारसी में होती है, और आप लोग भी इस टाइम पे अपनी जो भी दुआ मांगोगे ना वो दुआ पूरी होगी।
बाबा के दरबार में। बेशक बेशक। तो हम लोग भी बस वही दुआ लेने आए, करने आए अपने जैद के लिए और बच्चों के लिए। बस ख्वाजा साहब तो आपको नमाज ही रहा है, बराबर आप लोग हाजिर देते हैं और गरीब नमाज में नजराना अकीदत पेश करते हैं ख्वाजा साहब की बारगाह में। और आज अरमान भाई वगैरह ये जो है 10 साल से चले आ रहे हैं करीब करीब बारगाह गरीब नमाज में बराबर, और ख्वाजा साहब ने इन्हें खुशियाँ अता फरमाई है और हमेशा हाजिरी के लिए बुला लेते हैं। यही नजर करम सबसे बड़ी बात है गरीब नमाज की। हमने यहाँ से अपना ये जन्नती दरवाजा है, ये खुलता है ना, ये इसको बाग जन्नत बोलते हैं, जन्नती दरवाजा। अच्छा। उस शरीफ में खुसूसन यही खोला जाता है, इसी से लोग अंदर जाके हाजिरी देते हैं। तो हमने जो भी कुछ पाया ना, सच बताऊं आज अगर हमारे पास चीकू है, हमारे पास 3 बच्चे हैं, हमारे पास आप लोग हैं, तो सब लोग सब कुछ ना हमें इसी दरबार से मिला है। यहाँ पे जब भी हम परेशान हुए ना मेरा अरमान जी, और हमने बोला कि चलो अजमेर शरीफ चलते हैं, और ना जैसे यहाँ आते थे ना हमारी सारी जो है तकलीफ दूर हो जाती थी। और मुझे ये पता है कि यहाँ पे पत्थर टेकते ही ना जैद की तकलीफ बिल्कुल शरीर की खत्म हो जाएगी। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं हाजिरी के लिए, तो अभी आप कैमरा वगैरह बंद रखेंगे, अंदर से हाजिरी होने के बाद फिर करेंगे। तो गाइज यहाँ की ब्लॉगिंग करने का सिर्फ यही मतलब है कि हमारे साथ साथ ना आप घर बैठे यहाँ पे दर्शन कर सको और अपनी दुआ मांग सको। ये हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का चिला है, चिला मींस प्रेयर प्लेस, यहाँ बैठ के आप इबादत किया करते थे। इनका मजार लाहौर में है पाक पटन में। ये गरीब नवाज की बीबी साहिबा के रोजे, ये जामा मस्जिद है शाहजहां बादशाह की बनाई, समझे, सरकार ये गरीब नवाज का रोजा सुल्तान अल्तमश ने बनवाया। ये गरीब नवाज की बीबी साहिबा के रोजे मेरी ने बनाया, वजू खाना, यहाँ पे वजू करते हैं सब लोग, वजू करने के बाद अंदर दरगाह में जाते नमाज पढ़ने। तो जब भी हम दरगाह शरीफ आते हैं तो यहाँ की दाल रोटी हम जरूर खाते हैं। मेरी बहुत ज्यादा मतलब फेवरेट है यहाँ की दाल, और साथ में रुमाली रोटी, और साथ में कर्ड, और यहाँ की जो चाय है ना वो बहुत स्पेशल कटिंग चाय है, वो आने के बाद दिखाऊंगी। तो जब भी हम आते हैं कभी सब हमारे लिए स्पेशली खाना मंगवाते हैं, और मतलब बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें यहाँ हुजरे में खाना मिलता है। क्या बोलते हो सर, सही बात है ना जी? है चीकू थक गया? थक गया ये तो वैष्णो देवी में, तो भाई तू बिल्कुल ही चल चल के पागल हो जाना चाहिए था। ये तो कितना चला था वहाँ पे है, और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए घोड़े पे बैठाया था, मेरे से लड़ने लग गया था। हाँ। मेरे को चल के जाना था, मुझे घोड़े पे क्यों बिठाया, मुझे चल के। तो गर्मा गर्म दाल आ गई, और ऐसी दाल ना यही मिल सकती और कहीं नहीं मिल सकती। सच में मेरी तो इतनी फेवरेट है, 11 साल से मैं इस दाल को खा रही हूँ। तो यहाँ पे चिराग की दुआ हो रही है, और जिसको भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, किसी के लिए भी कुछ मांग रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा समय है, आप दुआ मांग सकते हो। तो इस दुआ के वक्त कोई भी कहीं भी होता है ना, वो खड़ा हो जाता है इस दुआ के अंदर, अपनी मन की जो भी दुआ होती है परिवार के लिए हाजिरी देता है इस दुआ में। और देखो हम बहुत खुश नसीब है कि हम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचे है ना दुआ वाले। तो बस अब यहाँ से खाना वाना खाते तो अभी ना मैं आपको डेग के दर्शन कराता हूँ। और डेग वो लोग करते हैं जो मन्नत मांगते हैं, ये 1.25 लाख का है और वो 2 लाख रुपए का डेग है, आओ अंदर से दिखाता हूँ। तो इसमें जब ना 1.25 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं ना, जैसे देखो बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं इसके अंदर, जब 1.25 लाख पूरे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये डेग तैयार हो जाता है, और जितनी असंगत आती है ना सबको खाने को मिलता है। तो चीकू कह रहे पापा मैं भी कुछ डालना चाहता हूँ, मैंने बोला बिल्कुल डाल दो बेटा, थोड़ा पीछे के डालना, अगर तेरा पूरा पर्स गिर गया ना तो पर्स वापस नहीं ले सकते आप, ठीक है? दोनों हाथों से करते हैं, ठीक है? चलो ऐसे कर लो, अब जय कर दो, चलो आ जाओ। तो अब हम सबसे पहले जहाँ से हमने फूल और चादर ली थी ना, वहाँ पे हमने अपना पर्स वगैरह रखा था, वो उठा लेते हैं। तो गाइज अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ के जो सबसे बड़ी डेग है ना, बड़ी डेग जिसमें 2.5 लाख रुपए जब इकट्ठे हो जाते हैं, लोग अपनी दुआएं मांग के वहाँ पे चढ़ावा देते हैं। तो आज ये डेग बनने वाली है, और सब में जो है ये प्रसाद मिलने वाला है। मैं ऊपर जाके ना आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से ऐसे सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के बाद डेग दिखाती हूँ आपको, बहुत बड़ा डेग है। यहाँ पे अपने बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए, अपने परिवार की तंदुरुस्ती के लिए यहाँ पे आके बांध लेते। ये देखो थैंक यू। आज ये देख जो है कंप्लीट होने वाली है, आज बनने वाली है। डाल दिया? हाँ जी डाल दिया। देखो जी को यहाँ पे झूले भी लटकाते हैं अपने बच्चों के लिए ना, कोई दुआ मांगता है ना बच्चों के लिए। गोल्ड की चीजें भी यहाँ लोगों ने दान दे रखी हैं। हाँ। और ये सारा लंगर के लिए इकट्ठा होता है। तो ये 2.5 लाख रुपए की डेग है। तो पायल ने मेरे लिए ना वहाँ से टोपी ली थी, तो वो टोपी मैं लगाने वाला हूँ, सूरज को दे रहा हूँ कैप, और ये मैचिंग रहेगी, तो लगा के दिखाता हूँ मैं। तो ये है देखो, बिल्कुल उनके कपड़ों से मैच कर रही है, बहुत सुंदर भी लग रही है। दुआ में याद रखना। चलो दुआ में तो याद रखना। यहाँ से ना ढंग से उतरना, गिर जाओगी तो। मैं तो नीचे देख के चल रही हूँ। आराम से चलियो पायल। हाँ मैं नीचे देख के चल रही हूँ क्योंकि मैं गिर सकती हूँ। हाँ चीकू ध्यान से चल। तो गाइस फिलहाल ना हम लोग मेन गेट से बाहर जा रहे हैं, और पहले कवि साहब के पैरों में ना बहुत भीड़ प्यारी। ये देखो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ,
तो देखो गाइस इतने सारे लोग दर्शन करने के लिए आए अजमेर शरीफ में, मतलब जब आप बीच में चलोगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा, पर यहाँ से लेके कम से कम 2 किलोमीटर तक पूरा जाम। चीकू बहुत ही लल्लू सा बच्चा है, बिल्कुल ध्यान नहीं होता। अगर ये गुम हो गया ना, ये मिलने वाला नहीं है। नंबर याद है मेरा? पापा वो देखो नंबर, मेरा नंबर याद है। यहाँ पे चीकू के पापा ना, चीकू को भी डरा नहीं, आगे आगे भाग रहे हैं ना, तो उसको ये नहीं पता है कि माँ बाप पीछे आ रहे हैं। देखो देखो देख, पकड़ लिया उसे। गुड्डू क्या हुआ? गुड्डू के ना हाथ में नहीं आया। मैं देख रहा था कि इसको अकल है या नहीं है। नहीं बाप, काबू में नहीं आया ना। चीकू आई प्राउड ऑफ यू माय बेबी, ये नहीं आ सकता किसी के हाथ में। आपको भी सोच रहे हो इसको पीछे से पकड़ के कोई ले जाए। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ। मैं कहाँ पहुंची हूँ मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मुझे यहाँ से ना ये चीज लेके जानी है सबके लिए। देखो ये वाले शूज है, वो ये वाले शूज है जो मुझे सबके लिए लेके जाने, जो सर्दियों में ना सबको पैर में, हम लोग चप्पलें ना पहनते ना घर में, तो ये बिल्कुल कम्फर्टेबल रहेगी। तो सबके साइज के हिसाब से ले लेती हूँ। तो बिल्कुल परफेक्ट साइज आया गुड्डू। हाँ ये घर में पहन के घूमेंगे। हाँ, और हम अभी घूमने वाले हैं ना, कैरावैन हम लोग घर में रखने वाले हैं। हाँ, तो उसी में हमारा ट्रेवल वगैरह होगा ना। हाँ, तो उसके लिए भी लेना, क्योंकि वहाँ पे तो मैट वगैरह होती है, मैट वगैरह पे ना मिट्टी विट्टी की चप्पलें नहीं पहन के जा सकते, वरना वो गंदी हो जाती है। इसलिए हमने ना ये वाली सबके लिए ले रहे, जितने लोगों के सबके लिए ले लो। तो जितनी पतली गलियां हैं और हम ऑटो में भी बैठ गए। अरे गोद में ले लो बच्चा, किसका ये? हमारा ही बच्चा है ये। अच्छा आपका ये क्या? आपको देखिए बहुत फॉलो करता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो भाई ये जिंदगी का बहुत दौर है, मतलब इतनी पतली गली में चलना मुश्किल है और हम ऑटो में बैठ गए। हम ऑटो में बैठ गए और ऑटो यहाँ से जा रहा था। हाँ। हमने स्पेशली नहीं बुलाया, स्पेशली नहीं किया, हमने ई रिक्शा में बैठे हुए। ओहो कितनी भीड़ है भाई। लो मैं दिखाती हूँ भीड़, आपको तो कम दिख रही होगी। तो ये देखो गाइस, भाई तेरा फोन ना लेके भाग जाए कोई। नहीं लेके भागेगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखो तुम कंट्री ज्यादा प्यार करते हो। हां जी, भीड़ देख कितनी गाड़ी की ना। हां इतनी सी गली में से भाग रहे तेरे पीछे, बेटा गिर जाएगी। एक ही आदमी है जो हमारे अंदर सबसे ज्यादा पैदल चलता है। भिड़ने वाली है, रिक्शा डी अड़ने वाली, क्योंकि ये ऑटो रिक्शा है ना। पैदल वाला पहले जाता है, सूरज भाई कह रहे पैदल वाला पहले जाता है आगे, आप लोग फंसे रहो। अरे भैया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, खींच के रखो काम, बहुत बढ़िया। लो भैया गाड़ी के पास पहुंच गए हैं और चीकू थोड़ा सा उदास रहता है, पता नहीं क्यों है भाई पाल। इसको अंगूठी और वो नहीं मिला ना। चलो कोई बात नहीं, अंगूठी अंगूठी दिया। सूरज पहुंच गया क्या? मुझे लग रहा है सूरज भी पहुंचा। तो भाई भागते भगाते सूरज भैया भी पहुंच ही गए, ये हमें पता नहीं लगा कब में हमारे रिक्शे से उतर गए, और फिर बाद में पता लगा सूरज भैया है नहीं। मैंने कॉल किया, बोला ना मुझे भैया रिस्की है, आप या तो कोई रिक्शा कर लो या पीछे की तरफ बैठ जाओ। मैंने देखा पीछे सारे बैठे हुए, मैंने भागता भगाता। सूरज बहुत मेहनती है भाई, वैष्णो देवी पे भी आदमी पैदल गया था। गुड्डू मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हमें तो इतना दूर रास्ता लगा और मुझे ऐसे लगा सूरज भैया खो जाएंगे। नहीं सूरज कलाकार है भाई, और इनको देख लो आज मेहनती आदमी, बहुत बिल्कुल सनी देओल की तरह इन्होंने जो है बांध दी है और गाड़ी पे पहुंच गए हैं कि गाड़ी में चलाता हूं। तो भाई हमेशा जब भी हम अजमेर शरीफ आते हैं तो ये इंसान जरूर दिखता है, और भी हमारे बहुत सारे भाई हैं, शामिल भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं, मतलब जो बुरे वक्त में हमारे साथ थे। मैंने कल उनको कॉल भी की थी, वो कहीं और थे, और अभी उनको पता था मेरा जन्मदिन है, तो मैंने जब इन्होंने मुझे फोटो दी तो मैंने ऐसे किया, कह रहे मैं भगवान की फोटो नहीं लेके आया, मैं कुछ आपके लिए लेके आया। तो अभी थोड़ा सा अनबॉक्सिंग, मतलब कल सुबह इतनी ज्यादा ठंड थी और ये आदमी 2 सीटर में घूम रहा था मेरे लिए, सिर्फ होटल के लिए। मैं तू घर चला जा भाई, दिक्कत नहीं है। अरे क्या बात है, ये तो हमारी फेवरेट है, ये तो हमारी फेवरेट है सच में। हम तो सोच रहे थे बनवाने की, कॉलेज बनवाने की सोच रहे थे ना। दिखा दूं आपको, सबको दिखा दूं, ये देखो यार क्या बात है, जबरदस्त, पूरी फैमिली इसमें हमारी। हाँ। हमारे रूम में जो वो व्हाइट वाली फोटो नहीं लगी हुई, वो हटा के ये लगा दीजिए। अच्छा ये पूरी फैमिली होगी। तो एक काम करते हैं, जब तक ये हमारा रूम ही है जहाँ जाते हैं ना वहाँ फोटो लगा ही देते हैं। नीचे रख दो, नीचे रख दो, तकिए तकिए ऊपर रख दो, ले भाई ठीक है। तो अभी निकलते हैं दरगाह के लिए, ज्यादा लेट नहीं करते। हाँ जी पेपर लगाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे गंदी नहीं होगी ना, साफ रहेगी। हाँ जी मेरा बच्चा। हाँ जी एक सेकंड मिलवाती हूँ, रुको। पापा कर रहे हैं पूरा दिन से। पापा, पापा आपके लिए दुआ मांगने आए थे ना, देखो आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे आप जल्दी सी। पापा, 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 पापा। मम्मा को याद नहीं करा? सिर्फ पापा पर। ओए ओए। हाँ मेरी बेटी क्या हुआ? पापा पापा कर रहा है, पापा का दीवाना है, पापा इसका दीवाना है, बड़ा पापा पापा कर रहा है ना। अब आई तो मेरी गोदी में, तेरे को मैं बताऊंगी। तो बस मैं अभी गाड़ी में जाके बेहोश होने वाला हूँ, नींद आ रही है बहुत जबरदस्त। और अभी हम ये लगा लो 7:30 बजे निकल रहे हैं और हम पहुँच जाने चाहिए 4 से 5 बजे तक, धुंध वाला एरिया हम पार कर लेंगे। है सूरज? नींद आ रही है, कल मैंने आपको बताया था वैसे बता दूंगा आज। नींद आ रही है तेरे को? नहीं नहीं ओके रिपोर्ट है। हाँ हाँ आपको लगता है मुझे कभी नींद आती है? आती तो है। हाँ रात में तो बिल्कुल कंफर्टेबल जब घर बैठूं। तो भैया अभी मेरा बेटा गिफ्ट लेके आया मम्मा के लिए और मुझे कह रहा है पापा आप अपने हाथ से दो। अपने हाथ से दूंगा डार्लिंग,
फॉर यू। थैंक यू सो मच। हाँ, दोनों के लिए, तेरे लिए भी है, गोलू के लिए भी। गोलू के लिए दूसरा है, दो है। बहुत बढ़िया चीकू, वेरी गुड, दिल खुश कर दिया तूने। सही है, पर ये लो। सही है ना, गिरेगा कहीं नुकसान भी नहीं होगी। और क्या लेके आया चीकू? गोलू माँ के लिए, ये गोलू माँ के लिए। दो फूल लेके आया। हाँ। अच्छा, ये भी इतना समझदार है, ये भी दो फूल लेके आया। ठीक है, ये रख ले, मम्मी घर जाके देंगे। हाँ, और दिखा क्या लेके आया। और पापा ये लेके आऊंगा कुल्हाड़ी। गोलू की देखो, ये गोलू की रिंग है। सही है, सुंदर। ये चाकू का क्या करेगा भाई? पापा नकली है। बकवास मत कर, असली होता है। और पाले तो लग जाएगा इसको। हैं? चाकू। सेफ्टी परपज। धार नहीं है। तो गाइस ये देखो, इतना सारा ये सामान जो लेके आया, सारा वेस्ट है, सारा वेस्ट है। कितने पैसे खर्च करके आया बेटा? कितने कर गया भाई? 500 रुपए का सामान है सारा। है भाई, तू तो यार नाक कटवाएगा मेरी। मैं पागल हो गया, मेहनत कर करके पायल है। मैं दिन रात, मैं तो मतलब ये सोच रहा, मैं रात को सोता नहीं हूँ। तू 500 रुपए खराब कर रहा है भाई। आंखें लाल होती है नींद के मारे। हाँ, और ये 500 रुपए खराब कर रहा है भाई। मेरी तो डूब मरने वाली बात। पापा आपके लिए कुछ क्या करूँगा इसका? मम्मा के ये 200-150 रुपए, 100 रुपीज की तो ये दो चीजें मम्मा की। चलो बेटा गिनवा दे ना, पायल गिनवा दे, इसने पैसे गिनवा दिए। गाइस हम निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए, 8:30 बजे हैं और देखते हैं कब तक हम पहुंचते हैं। तो सूरज भाई ने लोकेशन में देखा है, टाइमिंग बता रहा है 7:00 बजे की, पर मुझे लगता है अगर हम कंटिन्यू कल की तरह चलेंगे ना सूरज, हाँ, तो हम पहुंच जाएंगे 5 बजे तक। कोशिश तो यही 4-5 बजे तक पहुँचा दूंगा। अब इसको बोल दो सो जाएगा, सुबह स्कूल जाना है। थोड़ी देर तो अभी उठने दो, अभी तो बैठे हैं। चल 5-10 मिनट जग ले। तो गाइस बहुत तगड़ी भूख लगी, अभी रुके हैं रास्ते में, और बहुत देर से ना एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी। सूरज ने नंबर नोट कर लिया, बहुत देर से पीछा कर रही थी, स्पीड कभी स्लो। उसमें लड़के थे क्या? लड़के मैंने भी ध्यान दिया था, एक लड़का ना ऐसे मतलब खिड़की में, तो मैं एकदम ऐसे ध्यान चला जाता है ना, तो वो हमारी गाड़ी की तरफ ऐसे देख रहा था, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। वही था शायद, है ना। मैं तो खिचड़ी खाऊंगा, तेरा है कुछ दिल? मैं भी ऐसे थोड़ा मोटा खाऊंगा। तो वैसे एक बात बोलना चाहता हूँ, शायद ना बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगे। मतलब देखो अभी हम ना थक के आ रहे हैं, शायद ना मेरी आँख आपको दिखाई दे रही, मैं सोया तक नहीं हूँ ढंग से, और रुक के खाना खाने के लिए रुके हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि खाना खाते खाते भी फोटो चाहिए। हम बोल रहे थे खाना खा लें फिर दे देंगे, भाई हम जा रहे हैं। तो मैं बोला भाई हम खाना खा रहे हैं, कर हमारे पास टाइम नहीं है सर, हम जा रहे हैं, हमें फोटो चाहिए। दो फोटो दे दो। फिर आप बच्चे को उठा के वहाँ ले जाके फोटो लिए, ऐसे और ऐसे ऐसे पूरे गाल वाल खींचे। और मेरे साथ देखो, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं ले लो, रहे पूरा अपना। इतने बदतमीज है ना लोग, अगर हम कुछ बोल देंगे तो हमारे अंदर एटीट्यूड है, घमंड है, सेलिब्रिटी है, तो आपके अंदर भी तो थोड़ी सेंस होनी चाहिए ना। नहीं, एक फोटो लेने का तहजीब होती है, मैनर्स होता है, ये क्या होता है मेरे कंधे के ऊपर पूरा। तो इसलिए ना इंसान ना बाउंसर रखता है, सिक्योरिटी रखता है, क्योंकि ना हर आदमी के मुंह आप नहीं लग सकते। सही बात है। और फिर हम बुरे भी नहीं बनते, हम दे देते हैं फोटो, लेकिन सामने वाले को सोचना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, हम भी इंसान हैं। तो गाइस खाना हो गया, तो अब 500 किलोमीटर है चंडीगढ़, और बस थोड़ा सा आराम करते हैं, खाना खाया है, पहुँचते हैं घर की तरफ। गोलू का फोन आया था, वो कहती है आयान की तबीयत खराब हो रही है, वॉमिट कर रहा है, वो गया हॉस्पिटल, अभी बताएगी फोन करके। तो गाइस यहाँ पर है जाम, और पिछले आधे घंटे से हम यहाँ खड़े हैं, और धुंध का भी पूरा प्रकोप है। पिछले 1.5 घंटे से हम यहीं खड़े हैं, और सूरज भाई कह रहा है यहाँ से ना अंदर से रास्ता होके जा रहा है, और शायद किलोमीटर नहीं पता सूरज भाई, पर कह रहा है अंदर से रास्ता होके जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ यार बच्चे हैं साथ में, रिस्क नहीं लेते। तो बता, गाँव है, दिन में तो लोग निकलते ही होंगे। चल फिर भगवान का नाम लेके चल, ऐसे तो बैठे रहेंगे भाई, हम निकलेंगे ना तुम्हारे पीछे, देखना और भी लोग आएंगे, क्योंकि इंडिया में एक चाल है, वो क्या है, वो भीड़ चाल, भीड़ चाल। तो यहाँ पे जाम है, और इस रास्ते से हम कोशिश कर रहे हैं चलने की, लगता है रास्ता होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा भाई, तो कोशिश तो कर रहे हैं हम जाने की। और सारा कच्चा रास्ता है, सुनसान गलियां हैं, और फैक्ट्री लग रही है मुझे आधे से ज्यादा सूरज भाई। फैक्ट्री भी है, घर भी है, लोग देखो गाड़ियां हैं, लोग रहते हैं। चलो देखते हैं, परमात्मा का नाम लेके निकलते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कम से कम 3-4 घंटे का जाम है आराम से, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट लग रही है मुझे, गाड़ी हिल भी नहीं रही है पिछले 1 घंटे से। वहाँ 4 मिनट में हमने भाई रास्ता ढूंढ के और गाड़ी हाईवे पे लगा दी है सूरज। मैं इतनी देर से आपको कह रहा हूँ भाई, मान जो यार, फिर भी सोचना पड़ता है ना यार, बच्चे ना सूरज, आपके सुने बगैर तो मैं भी नहीं निकालता, आपने जस्ट बोला तो मेरे को भी। तो भाई हाईवे आ गया सामने, ऑटो भाई ऑटो, खाली खाली है, खाली चक दो काम, खींच के रखो, हमारे पीछे पीछे आते भी होंगे लोग ना। नहीं अभी तक तो कोई आया नहीं भाई, लेकिन सबको लग रहा है कि यार भाई रिस्क ले रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो ये देख लो, हम जाम में से निकले हैं और धुंध में फंस गए हैं। अब 400 किलोमीटर है यहाँ से चंडीगढ़ पूरा, तो पिछले 300 किलोमीटर से इसी धुंध में गाड़ी चला रहे हैं। अगर बात की जाए तो सुबह की 5 बज गए हैं, और हालत
बहुत जान से निकलने के बाद आपको पता है कि पूरा का पूरा रास्ता सेम ऐसे कैसे रहा है, कहीं भी चेंज नहीं हुआ। और रास्ते में इतने ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे, मतलब पूरी पूरी गाड़ियां खत्म हो रही थी और मेरी तो आंख लाल हो गई। मैं तो पहली बार आने जाने सफर में सोया नहीं। तो गाइस ना बंदा ना बंदे की जात, चारों तरफ सिर्फ हम ही हम हैं और इतनी ज़्यादा धुंध हो रखी है, पीछे आगे कुछ दिख नहीं रहा। गाड़ी की स्पीड अगर बात करें 5 से 10 की स्पीड हो रही है और रास्ते में इतना बड़ा एक्सीडेंट था ना पूछो मत। तो अभी हमने साइड में लगा दी गाड़ी और देखते हैं भैया धुंध कब तक खुलती है, तब तक गाड़ी में आराम करते हैं। 5:30 बज गए सूरज, 5:30 हाँ दिन निकलने वाला है और आधे घंटे में सूरज पता नहीं कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा। सूरज तो मेरे सामने ही है, ये तो अंधेरे वाला है। तो गाइस हालत बद से बदतर हो गई है, सुबह के ना 8:30 बज गए हैं और धुंध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और गाड़ी की स्पीड देख लो 40 है। कभी बस के पीछे चला रहे हैं, कभी किसके पीछे चला रहे हैं, आंखों में इतनी ज्यादा नींद भरी हुई है। अगर नींद किसी ने पूरी की है ना वो है पायल। मैंने चलो झूठे, वो बंदा ये है, ये देखो गाइस ये है वो बंदा जिसने नींद, और एक और है, एक और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये है दो बंदे जिन्होंने सच में अपनी नींद पूरी करी है और हम 3 तो बेचारे बैठे बैठे आ रहे हैं। तो जैसे अभी बच्चे घर पे और सच में इतनी धुंध थी, रास्ते में इतनी धुंध थी, जैसे तैसे करके घर पहुंचे हैं। बस अब नहाएंगे धोएंगे फिर पहुंचेंगे हॉस्पिटल। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। नमस्कार भाई, और मेरी गोलू से बात हुई, अभी शायद सो रहा है और हालत देख ही रहे हो बहुत ज्यादा खराब है। तो बस दुआ में याद रखना और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नमस्ते, बाय बाय। ठीक हो, सो जाओ बेटा तुम।